मटेरियल नाउन, मतलब लोहे से बना गेट मेरा, और लोहा हो गया मटेरियल नाउन और गेट हो गया मेरा कॉमन नाउन। सिंपल, बहुत आसान, ठीक है। ये हमने शर्ट पहन रखा, शर्ट, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन इस जिस मटेरियल से बन के आया, ये शर्ट जिस मटेरियल से बन के आया है उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। और ये किस मटेरियल से बन के आया है? क्लॉथ, कॉटन, नायलॉन, कोई भी कॉटन से बन के आया हो, नायलॉन से बन के आया हो, सिल्कन से बन के आया हो, वो जो सिल्कन है, कॉटन है या नायलॉन है, दैट इज मटेरियल। बट द शर्ट इज नॉट अ मटेरियल बट इट इज अ कॉमन नाउन, राइट। फैन हमारे ऊपर लटका हुआ लेकिन चल नहीं रहा, गर्मी लग रही है। अब ये जो फैन बना है माय डियर, ये फैन कॉमन नाउन है। लेकिन फैन जिस मटेरियल से बना हुआ है उस मटेरियल को मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके ब्लेड लोहे के बने हैं, लोहा, आयरन इज मटेरियल नाउन, राइट। फैन के अंदर में जो कॉपर वायर लगा होता है, रेड रेड वाला, उस वायर को कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन वो वायर कौन सा मटेरियल का बना हुआ है? कॉपर इज अ मटेरियल नाउन और मटेरियल सब्सटेंसेस। फिर से मैं बता दूं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। बात समझ रहे हैं? हाँ, ये हम पेन की बात करें, फिर से पेन, ये पेन जो है ये कॉमन नाउन, लेकिन पेन क्या चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक, ये मटेरियल नाउन है। शर्ट ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये शर्ट किस चीज से बना हुआ है? क्लॉथ से, ये मटेरियल नाउन है। बात समझ रहे? तो मटेरियल नाउन से हम किसी वस्तु को एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। हाँ सर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रही हो माय डियर, तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में करण सर को क्वेश्चन करेंगे, वो मेरे को पूछेंगे, मैं उनको फिर से, अगर समझ नहीं आया तो फिर से आई विल टीच यू द लेसन वंस अगेन। निश्चिंत रहें, आपको क्लियर करना ही मेरा काम है। नहीं, मटेरियल नाउन को स्टॉप करके आगे चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वैसा नाउन जिसको हम ना देख पाते हैं ना छू पाते हैं, वैसा नाउन जो हमारे आसपास चारों तरफ फैली लेकिन ना हम उसे देख पाते हैं और ना छू पाते हैं, केवल महसूस कर पाते हैं, केवल फील कर पाते हैं, वैसे नाउन को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वैसे नाउन को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, आई एम ऑनेस्ट मैन, आई एम ऑनेस्ट मैन, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, सॉरी, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। अब मैं कितना ईमानदार हूं आप बता सकते हैं? कोई भी बता सकता है? किसी की बस की बात है नहीं, मुझे बता ही नहीं सकता कि मैं कितना ईमानदार हूं। गिन के बता सकता है? 1, 2, 3, आप 5 ईमानदार हैं, आप 10 ईमानदार हैं, आप 100 ईमानदार हैं, आप 1 ईमानदार हैं, नहीं बता सकते। बहुत से बहुत अंदाजा लगाएं कि आप बहुत ईमानदार हैं या आप थोड़ा सा ईमानदार हैं, आप मतलब मीडियम साइज में ईमानदार हैं। लेकिन परफेक्ट गिनती जिसकी नहीं बताई जा सके, हमारी ईमानदारी को छुआ नहीं जा सके, हमारी ईमानदारी को देखा नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सकता है, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है माय डियर। कि गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 नहीं, बहुत लग रही है। तो जब किसी नाउन को बोलते हैं और उसको फील करते हैं, उसको गिन नहीं पाते, उसको छू नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मैं बोर्ड पे लिखता हूं और फिर उसके साथ साथ दो चार दस एग्जांपल भी दूंगा, फिर आपको और भी क्लियर होगा। वेट कीजिए, मटेरियल नाउन के बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से एक बार मटेरियल नाउन को आपको याद दिला दूं, मटेरियल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड बट ओनली नापते हैं, तौलते हैं तराजू में। मटेरियल नाउन वैसा सब्सटेंस है माय डियर
जिसको एक से दूसरे वस्तु में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ना उसको हम गिन सकते हैं लेकिन उसको नाप सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, वैसे वस्तु को मटेरियल नाम कहते हैं। जैसे मिल्क की बात करें उसको नापते हैं, तौलते हैं, गिनते थोड़ा ना। चावल की बात करें, गेहूं की बात करें, आटा की बात करें, सोने की बात करें, लोहे की बात करें, लकड़ी की बात करें, कोई भी चीज़, रोशनी, कोई भी चीज़ जिसको केवल नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, मटेरियल नाम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन। यहाँ देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन दैट कांट बी सीन और टच बट ओनली फील, है ना, डेफिनेशन लिखा हुआ है। वैसा नाउन जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। आप वीडियो देखते देखते ऐसा कुछ फीलिंग कीजिए जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते हो। आपके रूम में अभी वीडियो देखते समय ऊपर में फैन चल रहा होगा, उससे हवा निकल रही है, आप महसूस कीजिए, उस हवा को आप देख पाते हैं, उस हवा को आप छू पाते हैं नहीं, केवल महसूस कर रहे हैं कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, हवा लग रहा है, महसूस करते हैं। और वैसे नाउन जिसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ रहे हैं। डेफिनेशन हमने लिख दिया एग्जांपल्स के तौर पे, एग्जांपल्स के तौर पे यहां लिखे पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी, गरीब और गरीबी में अंतर है, देख लीजिए, ये है गरीब और ये है गरीबी। गरीब मतलब ये है कॉमन नाउन, गरीबी का एक कास्ट है हमारे पृथ्वी पे, इसीलिए वो कॉमन नाउन। और ये हो गया सॉरी गरीब, और ये हो गया गरीबी, ये नाउन बन गया। ये जब किसी सेंटेंस में यूज होता है, पुअर मैन इज ऑनेस्ट, मान लिया ऐसे सेंटेंस पुअर मैन, यहाँ पे ये पुअर मैन एडजेक्टिव हो गया, राइट, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन केवल ऐसे है तो ये नाउन हो गया, राइट। चलो उधर नहीं जाना एक्चुअली मेरे को, यहाँ मैं बता रहा था कि गरीबी, गरीबी की बात करनी है। तो आप बता सकते हैं किसी की कितनी गरीबी है, मैं कितना गरीब हूँ, ये आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप एक गरीब हैं, दो गरीब हैं, दस गरीब हैं, सौ गरीब हैं, बोल सकते हैं नहीं, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कितने गरीब हो। आप बहुत गरीब तो नहीं दिखते लेकिन गरीब दिखते हैं, परफेक्ट नहीं बता सकते, बस अंदाजा लगाते हैं, है ना, और इसी अंदाजा को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गरीबी को ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लिख दूं, यहां लिखे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, वार्म्थ, कोल्ड, वाइंड, थेफ्ट, ब्रेवरी, काइंडनेस। अब यहाँ जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए हैं, आप इस 8-10 एग्जांपल्स में आप बताइए किसी को भी आप गिन सकते हैं, इसमें से किसी को छू सकते हैं, इसमें से किसी को देख सकते हैं नहीं, केवल अंदाजा लगा सकते हैं, केवल फीलिंग कर सकते हैं कि हमारी दोस्ती जो है वो कितना गहरा है। तो आप कहेंगे कि बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि एक दोस्ती है, 10 दोस्ती है, 20 दोस्ती है, अंदाजा लगाते हैं। हमारी जो फ्रेंडशिप है, जो हमारा रिलेशन है हमारे दोस्त के साथ, वो बहुत मजबूत है, लेकिन उस रिलेशन को हम देख नहीं पाते हैं, उस रिलेशन को हम छू नहीं पाते हैं, केवल महसूस कर पाते हैं कि हमारा जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट,
दूसरा में देखिए गरीबी कितना, कौन कितना गरीब है ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप, ना उसे छू सकते हैं ना दे सकते हैं, बस अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत गरीब है या कम गरीब है या बहुत ज्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर ही एज। और जब किसी बात को फील करते हैं माय डियर, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टली कोई कितना ईमानदार है नहीं बता सकते हैं, कितनी गर्मी है नहीं बता सकते हैं, कितनी ठंड है नहीं बता सकते हैं, हवा कितनी तेज चल रही है नहीं बता सकते हैं, चोरी कितनी हुई नहीं बता सकते, कोई कितना बहादुर है नहीं बता सकते, कोई कितना दयालु है नहीं बता सकते, केवल अंदाजा लगा सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। एंड एवरी नाउन दैट कैन ओनली फील बट नॉट टच बट नॉट सीन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे आप, ये जो नाउन वाले चैप्टर है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आठ बताया था हमने, और आठ में सबसे पहला नाउन हमने आज क्लियर कर दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला नाउन वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, श्योर आई विल मेक यू श्योर दैट आई विल आंसर यू वेरी शॉर्ट। अगर कोई क्वेश्चन मन में अराइज कर रहा होगा वीडियो देखते समय, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये लेसन ऑब्जर्व हो गया है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ ग्रामर बुक एंड देयर इज एन एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ द स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने का एक्सरसाइज भी दिया होगा, आप क्या करेंगे उसमें एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, जो भी वो क्वेश्चन अराइज करता है उस एक्सरसाइज में आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस जब तक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको वाकई में नाउन क्लियर हुआ या नहीं। कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बोलते रहेंगे मुझे तो समझ में आ गया, मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक्चुअली में जब आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तब वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और तब आपको पता चलेगा कि सर ये बात बताना भूल गए, या फिर सर ने बताया था हम भूल गए, आपको फिर से वीडियो देखना होगा, या फिर आपको सर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, सर आपने ये बात नहीं बताया, ये बात आप भूल गए, आपको ये बताना चाहिए। राइट, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर योर सजेशन। अगले क्लास में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हम भी सुरक्षित हैं, आप भी सुरक्षित रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।